नमस्कार, आप देख रहे हैं आईपीए न्यूज और मैं आपके साथ सुनील चतुर्वेदी। चलते हैं आज की खास खबर की ओर। वहीं उत्तर प्रदेश के चित्रकूट जिले से बड़ी खबर आ रही, बताते चले राजकुमार नाम के व्यक्ति ने 5 साल के अपने ही बेटे की गला काट कर निर्मम हत्या कर दी। आपको बता दें, घटना के कारण का स्पष्ट पता नहीं चल पाया, लेकिन सूचना पर पुलिस गई तो आरोपी ने खुद को कमरे में बंद कर लिया और दरवाजे में आग लगा दी। पुलिस ने किसी तरह दरवाजा खुलवाकर आरोपी को पकड़ा है। हत्या की वजह अभी तक पुलिस स्पष्ट नहीं कर पाई है। चित्रकूट जिले से इस वक्त की बड़ी खबर, जहां पर अपने ही बेटे की युवक ने हत्या कर दी। आपको बता दें, बच्चे की उम्र 5 साल बताई जा रही है और उसका नाम सत्यम बताया जा रहा है, जिसकी निर्ममता से उसके पिता ने ही उसकी हत्या कर दी। ये जनपद चित्रकूट के थाना मऊ क्षेत्र की घटना है। एक पिता जो प्रायः अपनी पत्नी से लड़ाई झगड़ा करता है, बीती रात भी उसने परिवार में झगड़ा किया अपनी पत्नी से, और लगभग 3 बजे के आसपास उसने कुल्हाड़ी से अपने 5 वर्षीय पुत्र को काट दिया। इसके बाद उसने घर के एक कोठरी में आग भी लगी और अपने दूसरे कमरे में बंद हो गए। परिजनों की सूचना पे पुलिस को सूचना प्राप्त हुई, तत्काल जाकर के और हिकमत अमली से पहले उसे बंद कमरे से पुलिस ने पकड़ा। जो कमरे में आग लगाया था वो आग गांव वालों ने पानी डाल के बुझा ली थी, और फिर हमारी फोरेंसिक टीम भी वहां गई। अभियुक्त पुलिस की गिरफ्त में है, आगे विधिक कार्यवाही की जाए। क्या सर, कोई विवाद का कारण कुछ पता चल पाया? विवाद का कारण देखिए अभी कुछ इस तरह का नहीं है, लेकिन जो गांव में मरमरी ये है कि उसका अपनी पत्नी से प्रायः लड़ाई झगड़ा हुआ करता था, संभवतः अपनी पत्नी के चरित्र पर उस शक।